और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें मंत्र दिया था, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो। एक समय था जब जनसंघ और भाजपा के कार्यकर्ता की पहचान, और आज भी कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी उसी जीवन को जीते हैं और अपने आदर्शों के लिए जूझते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहा जाता था, चाहे वो जनसंघ का कार्यकर्ता हो या भाजपा का, उसका एक पैर रेल में होता है और दूसरा पैर जेल में होता है। रेल में इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर भ्रमण करता था, प्रवास करता था, जहां भी उसको जाना होता वो दौड़ता रहता था, और समाज के समस्याओं के समाधान के लिए सत्ता पर बैठे हुए लोगों के सामने संघर्ष करता था, और इसलिए कभी जेल तो कभी बाहर, ये उसकी स्थिति रहती थी। मुझे याद है करीब 50 साल पहले की बात होगी, जनसंघ के लोग अहमदाबाद में सत्याग्रह कर रहे थे, और एक अपनी कार्यकर्ता बहन जो जेल गई थी, करीब करीब एक महिला लोग सब जेल में रहे थे सिर्फ आंदोलन करने के लिए, और उसकी गोद में 9 महीने का बच्चा हाथ में लेकर के वो जेल में एक महीना गुजार करके आई थी। ऐसे जुल्म सह करके ये पार्टी यहां पहुंची है। और ये जुल्म करने वाले लोग एक छोटे से जुलूस को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होते थे, जेल में बंद कर देते थे। सत्ता का नशा उतना था उनका।